मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रामस्य सत्संग का हुआ समापन। देश के विभिन्न राज्यों से करीब 10,000 लोग सत्संग में लिए भाग। मगध विश्वविद्यालय परिसर में मल्लिक वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले रामस्य सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में संत कृष्णकांत शर्मा, विश्व विनायक जी, सुंदरलाल जी लखनऊ से, डॉक्टर साहेब सैरघाटी से, बंगाली भैया जी आदि आचार्य मौजूद थे। इस मौके पर संत कृष्णकांत शर्मा ने कहा कि आत्मा कहलाना तो आसान है पर बनना बड़ा कठिन। गुरु दर्शन से तभी लाभ हो सकता है जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके दृष्टिकोण को अपने में उतारें, गुरु से अमित संबंध कायम करें, गुरु परायणा बने, उनके चरणों में अटट प्रेम हो, श्राद्ध हो, विश्वास हो, निष्काम भक्ति हो। जो इसमें जुड़ गया उसके प्रवाह में एक सुंदर व्यक्तित्व लेकर निकल कर आता है, वो स्वयं चकित रह जाता है, मैंने किस गंगा में स्नान किया है, क्या है सत्संग सो सही। आज भी का है उपकेंद्र गया जी में मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आध्यात्मिक सत्संग समारोह 3 दिवसीय चल रहा है। कल से आज सुबह 3री बैठक समाप्त हुई है। इसमें टुंडला से चल के परम संत परम पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी और परम पूज्य परम संत श्री कृष्णकांत शर्मा जी, ये दोनों बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। ऐसे तो देश भर से दर्जनों आचार्य यहाँ पर आए हैं और पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु सत्संगी भाई सब आए हैं। सारी व्यवस्था मगध यूनिवर्सिटी प्रांगण में ही की गई है। पंडाल के पीछे में भोजनालय की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था निगमा धर्मशाला में की गई है। सारे सत्संगी भाई वहां रह रहे हैं। शाम को 4थी बैठक आज शाम 7 बजे से 9 बजे तक होगा और कल सुबह की जो अंतिम बैठक होगी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद सभा का समाप्ति होगा और सारे गुरुजन लोगों का बिदागरी होगा, सारे सत्संगी लोग जाएंगे। पूरे देश से लोग आए हुए हैं, सभी जगहों से लोग आए हैं, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, नोएडा से, सभी जगहों से। ये रामाश्रम सत्संग सालों चलता रहता है। सत्संग इसका बजाबते पूरा लिस्ट आता है हम लोगों के साधन पत्रिका में। आज यहाँ है तो फिर पूना में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, झारखंड में है, ये कंटिन्यू निरंतर चलते रहता है। अभी यहाँ पर तो बहुत कम श्रद्धालु आए हैं, फिर भी लगभग 7-8 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा अपने तरफ से हर संभव सुविधा करने का व्यवस्था किया गया है। निगमा धर्मशाला में सब लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पंडाल के पीछे भोजनालय की व्यवस्था की गई है। यहीं पर भोजनालय में चाय, नाश्ता, भोजन सब यहीं पर व्यवस्था है। अपना परिचय देंगे। निखिल कुमार, मीडिया प्रभारी, रामाश्रम सत्संग गया।